हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। पाइथन फंडामेंटल सीरीज की इन वीडियोस में हम लिस्ट मैनिपुलेशन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लिस्ट मैनिपुलेशन के थर्ड वीडियो में आज मैं आपको लिस्ट में यूज होने वाले कुछ इनबिल्ट फंक्शंस को डिटेल में समझाऊंगा। हम प्रैक्टिकली उन फंक्शंस पे वर्क करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। लिस्ट में यूज होने वाले इनबिल्ट फंक्शन में पहला फंक्शन है आपका इंडेक्स फंक्शन, या इंडेक्स मेथड भी हम उसे कह सकते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के इंडेक्स को। सपोज आपके सामने एक लिस्ट है L, इसके अंदर एलिमेंट हैं, कई सारे एलिमेंट मैंने पहले से ही स्टोर कर रखे हैं। तो आप जानना चाह रहे हैं 45 एलिमेंट किस इंडेक्स पे स्टोर है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे L डॉट इंडेक्स मेथड और इसके अंदर पास कर देंगे उस एलिमेंट को जिसका आप इंडेक्स वैल्यू जानना चाह रहे हैं या पोजिशन जानना चाह रहे हैं। तो ये आपको रिटर्न कर देगा उसकी पोजिशन। ये बता रहा है कि आपका जो 45 एलिमेंट है वो फिफ्थ इंडेक्स पे इस लिस्ट में स्टोर है। ठीक है, अगले फंक्शन की बात करते हैं। सेकंड फंक्शन है आपका अपेंड मेथड या अपेंड फंक्शन। अपेंड मेथड किसी भी लिस्ट में एक नया एलिमेंट अपेंड करने में या ऐड करने में मदद करता है एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। ओके, तो सपोज इसी लिस्ट में मैं एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ या अपेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा एल डॉट अपेंड मेथड और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा उस नए एलिमेंट को 50। सपोज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो जब मैं इस लिस्ट को देखूंगा प्रिंट करके तो ये दिखाएगा कि इस लिस्ट में 50 जो है इसके लास्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से एक और मेथड होती है एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड भी आपके लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने में मदद करती है, लेकिन अपेंड मेथड और एक्सटेंड में डिफरेंस ये है कि अपेंड एट अ टाइम एक ही एलिमेंट को ऐड कर पाता है, एक्सटेंड में आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना लेता हूँ छोटी सी, इसमें कुछ एलिमेंट हैं, ओके ये एक मेरी लिस्ट है एक्स नाम से। इन एलिमेंट्स को मैं अपेंड करना चाहता हूँ या ज्वाइन करना चाहता हूँ अपनी पुरानी लिस्ट एल के साथ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक्सटेंड मेथड को, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए एक्सटेंड मेथड का यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ होगा, एल डॉट एक्सटेंड और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा यहाँ पर इस लिस्ट को, लिस्ट के नेम को, ओके। और जब मैं इसको लिस्ट को प्रिंट करके देखूँगा एल लिस्ट को, तो दिखाएगा कि जो एक्स के एलिमेंट्स थे सारे एलिमेंट्स इस लिस्ट में क्या हो चुके हैं, लास्ट में ऐड हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटेंड मेथड आपका वर्क करता है। ठीक, अगले फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड भी आपकी लिस्ट में किसी नए एलिमेंट को इंसर्ट करने में मदद करता है। डिफरेंस इतना है कि इंसर्ट मेथड की मदद से हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि अपेंड और एक्सटेंड में सारे एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो वो इंसर्ट मेथड कैसे यूज़ करता है, सपोज़ मैं इसी लिस्ट में पोजीशन 1 पर एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ या इंडेक्स 1 पर नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा एल डॉट इंसर्ट और इसके अंदर दो आर्गुमेंट मुझे पास करने पड़ेंगे, एक तो पोजीशन मतलब इंडेक्स नंबर। सपोज मैं इंडेक्स 1 पर आपका एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 34, ओके। तो दो आर्गुमेंट मैंने पास कर दिए, एक तो पोजीशन पास करी और एक एलिमेंट पास करा। ठीक है, और नाउ जब मैं इस एलिमेंट इस लिस्ट को प्रिंट करके देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पर 34 क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से इंसर्ट मेथड मदद करता है मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करने में। नाउ ये तो थी बात कि कैसे हम किसी लिस्ट में एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं या ऐड करते हैं, उसके लिए हमने फंक्शंस पढ़े। अब बात करते हैं अगर आपको किसी एलिमेंट को आपके लिस्ट से रिमूव करना है तो उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस इसमें यूज़ होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन हमारे पास हैं। तो उसमें सबसे पहला फंक्शन है पॉप मेथड या पॉप फंक्शन, जो आपके लिस्ट से आप एलिमेंट को रिमूव करने में मदद करता है। पॉप फंक्शन के अंदर हमें उस लिस्ट की पोजीशन वैल्यू पास करनी पड़ती है, पोजीशन मतलब इंडेक्स वैल्यू उसमें पास करनी पड़ती है, तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर होता है उसको वो रिमूव कर देता है। सपोज मैं इसी लिस्ट में
आपके जो अभी मैंने ऐड किया था 34 फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हुआ था, अब मैं उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा एल डॉट पॉप मेथड और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा उस एलिमेंट का पोजीशन वैल्यू, और उसकी पोजीशन वैल्यू थी 1। ओके, एंड देन जब मैं इसको जो पॉप फंक्शन है वो आपको रिटर्न करता है उस एलिमेंट को जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि नई जो लिस्ट आपको शो हो रही है उस लिस्ट में वो 34 एलिमेंट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि पॉप मेथड आपको उस एलिमेंट को भी रिटर्न करके देता है, शो करता है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और फंक्शन इसमें यूज़ होता है रिमूव मेथड, जो भी आपके एलिमेंट को रिमूव करने में मदद करता है, लेकिन पॉप मेथड में हम इंडेक्स वैल्यू पास कर रहे हैं, रिमूव मेथड में हम उस एलिमेंट को पास करेंगे जिसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। सपोज मैं 101 को यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ इसी लिस्ट में, तो मैं लिखूँगा एल डॉट रिमूव और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा 101। ओके, और इसके बाद जब मैं लिस्ट को देखूँगा तो 101 मुझे उस लिस्ट में नहीं मिलेगा। तो आपने देखा पॉप और रिमूव में डिफरेंस। पॉप क्या कर रहा था, जो आपका वैल्यू डिलीट हो रही थी या रिमूव कर रहे थे आप, उस वैल्यू को भी रिटर्न कर रहा था, लेकिन रिमूव फंक्शन ऐसा नहीं करता है। पॉप फंक्शन में हम इंडेक्स वैल्यू पास कर रहे थे और रिमूव फंक्शन में हम उस एलिमेंट को पास कर रहे हैं जिसे मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मदद करता है मेरा रिमूव फंक्शन, ठीक है। अब एक और फंक्शन है क्लियर। क्लियर फंक्शन एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है, दैट मीन्स आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट बचेगी, ठीक है। तो इसी लिस्ट में हम उसको देख लेते हैं कि कैसे क्लियर फंक्शन वर्क कर रहा है। एल डॉट क्लियर मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्लियर मेथड में यहाँ पर यूज़ करूँगा, और उसके बाद जब मैं एल को देखूँगा तो मुझे एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगी, उसने सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, रिमूव कर दिया। अगला इनबिल्ट फंक्शन है आपका काउंट फंक्शन। काउंट मेथड क्या करता है, किसी भी लिस्ट में पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करता है कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में कितने टाइम मौजूद है। तो सपोज़ मैं यहाँ पर मैंने एक L2 लिस्ट बनाई है जिसमें मैं जानना चाह रहा हूँ कि 12 जो एलिमेंट है वो कितने टाइम मेरा इस लिस्ट में मौजूद है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा L2 डॉट काउंट और इसके अंदर पास कर दूँगा 12 को, एलिमेंट को, ठीक है। तो ये जब रिटर्न करेगा वैल्यू तो बताएगा मुझे कि इस लिस्ट में मेरा 12 है वो 3 टाइम मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है आपका काउंट मेथड। अगले मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, अगले फंक्शन की, वो है आपका रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या काम करता है, आइटम लिस्ट के आइटम्स को रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ इसको L1 लिस्ट पे, मैंने एक L1 लिस्ट यहाँ पर बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ कैरेक्टर्स स्टोर करे हैं, तो इस पर चेक करते हैं कि ये कैसे इसको रिवर्स करता है। L1 डॉट मैं यूज़ करूँगा रिवर्स मेथड, ओके, और उसके बाद जब मैं L1 को प्रिंट करूँगा तो मैं देखूँगा कि मेरे जो जितने भी कैरेक्टर्स थे वो क्या कर दिए हैं, उसने रिवर्स ऑर्डर में मुझे शो कर दिए हैं। नेक्स्ट फंक्शन है मेरा शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड किसी भी लिस्ट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने में मुझे मदद करती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको शॉर्ट करता है किसी भी लिस्ट को। सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई है टी, इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट स्टोर किए हैं, अनशॉर्टेड एक लिस्ट है मेरी, तो मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यूज करूँगा टी डॉट शॉर्ट, ओके। और इस तरीके से जब मैं टी को प्रिंट करूँगा तो आप देखेंगे कि जो लिस्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। अगर आप इसी लिस्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा टी डॉट शॉर्ट मेथड और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा रिवर्स इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू, ओके। और जब आप टी को दोबारा से प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने जो लिस्ट है उस लिस्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से एक फंक्शन और होता है एलियन फंक्शन। एलियन फंक्शन क्या करता है, किसी भी लिस्ट की लेंथ को रिटर्न करके आपको देता है। तो उसको कैसे यूज करते हैं, इसी लिस्ट की लेंथ में जानना चाह रहा हूँ टी लिस्ट की, तो मैं लिखूँगा एलियन और इसके साथ आर्ग्यूमेंट पास कर दूँगा टी को, ठीक है, इसके अंदर। तो ये रिटर्न करेगा आपको 6
तो उसने बताया कि इस लिस्ट में 6 एलिमेंट थे इसके। तो ये थे किसी भी लिस्ट में यूज़ होने वाले इनबिल्ट फंक्शंस। आई होप आपको सारे इनबिल्ट फंक्शंस का वर्किंग समझ में आ गई होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।